सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ मिलन। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल पर। आज मैं इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ कि FAB बैंक में आप कैसे ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर, वो भी ऑनलाइन एंड सिर्फ अपना इमरेट्स ID को यूज करके। और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, आपको क्या क्या मिलने वाला है, जैसे कि चेकबुक मिलता है, आपका एक डेबिट कार्ड मिलता है, और डेबिट कार्ड में फ्री एयरपोर्ट पे लॉन्च वगैरह मिलता है, और यहाँ पर आप बहुत सारा क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको FAB मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद में आप FAB इस्लामिक भी ओपन कर सकते हैं, और आप FAB अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही में आपको सेविंग और करेंट अकाउंट का भी ऑप्शन मिलेगा, और आप इसके लिए आप चूज कर सकते हैं आपका कौन सा पसंद है और क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेंट अकाउंट के लिए आपका मोबाइल नंबर डालना होगा और ईमेल एड्रेस डालना होगा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर करेक्ट डालिए, क्योंकि उसमें OTP जाएगा जो 3 डिजिट का होता है, और कंटिन्यू करने के बाद में आपका जो ईमेल में और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा 3 डिजिट वाला, उसको आपको डालना है, और डालने के बाद में कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ईमेल डालने के टाइम में आप करेक्टली डालिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप देख सकते हैं कैसे आता है OTP। OTP डालने के बाद आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कौन सा अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट और सेविंग अकाउंट आ गया है। तो करेंट अकाउंट के लिए आपको कोई भी मिनिमम सैलरी वगैरह नहीं चाहिए, और कोई भी मिनिमम फीस वगैरह आपको चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप सैलरी नहीं डालते हैं फिर भी आपको एक भी दिराम चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 3000 दिराम मेंटेन करना होगा, नहीं तो 30 दिराम का एवरी मंथ चार्जेस आपको अप्लाई होगा। और इसमें दोनों में आपको 10,000 ATM विड्रॉवल लिमिट है डेली, और डेली रिटेल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप 20,000 दिराम तक आप कर सकते हैं, और आपको फ्री एयरपोर्ट पे लॉन्च का एक्सेस वगैरह मिलेगा सिलेक्टेड एयरपोर्ट पर, और बहुत सारा जो ऑफर वगैरह मिलता है। तो आप इमरेट्स ID के साथ में और UAE के पास के साथ में आप अकाउंट खोल सकते हैं। मेरे पास UAE पास है, अगर आपको पता नहीं है UAE पास क्या है तो मेरा वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप UAE पास मिलन करके मेरा YouTube के चैनल का नाम लिखिए तो आ जाएगा, और नहीं तो आप सिंपली इमरेट्स ID को फ्रंट एंड बैक स्कैन करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद में आपका पूरा डिटेल्स आएगा, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ कंट्री है वो लिखना होगा, उसके बाद में कंटिन्यू करना होगा। तो कंटिन्यू करने के बाद में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि आपका प्रोफेशन क्या है उसमें क्लियरली आएगा, और आपका कंपनी का नाम डालना है। मेरा कंपनी का नाम जर्मन एक्सपर्ट कार मेंटेनेंस है, तो मैं डालता हूँ। और प्रपोज ऑफ कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेविंग के लिए या फिर सैलरी के लिए, और यहाँ पर आप कुछ भी आप देख सकते हैं, आपका एस्टिमेटेड पर मंथ वगैरह, और नो करके आपका फ्लैट नंबर एड्रेस वगैरह आपको डालना है। आप कुछ भी डाल सकते हैं अपना एड्रेस के बारे में, और अपना नियरेस्ट मॉल के बारे में, सुपरमार्केट के बारे में डाल सकते हैं, और अबू धाबी में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, फुजेरा शारजा आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका जेंडर वगैरह, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर वगैरह आएगा, तो यहाँ पर राइट में क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। और आपका होम कंट्री कौन सा है, आपका जो बर्थ सिटी कौन सा है, और एड्रेस क्या है वो डालना है आपको, और कंटिन्यू करना है। और उसके बाद में ये कार्ड मिलेगा, और आपको फ्री चेकबुक भी मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों में से एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो दोनों ही सेलेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों ही मिलेगा आपको अगर आप दोनों ही सेलेक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो मैं भी दोनों ही सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर आपको UAE नो में क्लिक करना है ये सब, और टैक्स डिक्लेरेशन में नो करना है, और यहाँ पर एग्रीमेंट में क्लिक करके आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आपको आप पूरा देख सकें, आपको कुछ बोर फील ना हो। ठीक है, तो थोड़ा वेट करने के बाद में आपको हो गया है, अभी साइन अप फॉर FAB मोबाइल करना है। आपका IBAN नंबर पूरा हो चुका है, आपका एग्रीमेंट वगैरह भी आ चुका है, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन करके आ गया है, और आपका IBAN पूरा ये, और आपका कस्टमर ID नंबर ये है ये, उसके बाद में कंटिन्यू करना है। अभी फिर से आपको एक बार इमरेट्स ID को स्कैन करना होगा। मैं अपना इमरेट्स ID को हाइड करूँगा ताकि आप लोग मेरा YouTube वीडियो डिलीट ना कर दें। ठीक है, तो मैं इमरेट्स ID को वेरीफाई करके आता हूँ, बस आपको दिखाना है फ्रंट और बैक कुछ भी नहीं, और मेरा हो चुका है।
और होने के बाद में आपको एक बार फिर से फेस वेरिफिकेशन करना होगा, फेस आपको दिखाना होगा। और यहाँ पर ब्लिंक आइज करेंगे करके बोला है, तो आपको ब्लिंक करना है अपना आइज को। और वो होने के बाद में आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। और इसका क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, पर्सनल लोन वगैरह कैसे अप्लाई करना है, मैं आने वाला वीडियो पे आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आपका अकाउंट खुल चुका है और आपका जो क्रेडिट कार्ड सॉरी डेबिट कार्ड और जो चेकबुक है वो ऑन द वे है, आपको 2 दिन से लेकर 3 दिन में मिल जाएगा, अगर हॉलीडे या फिर संडे नहीं है तो। ठीक है, कुरियर के थ्रू मिलेगा और जो भी आपने फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया है उसी नंबर पे कुरियर से कॉल आएगा और ये फ्री है, आपको एक भी दिरहम चार्ज देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुरियर आने के टाइम में अपना इमिग्रेंट आईडी साथ में रखना और जो मैसेज में आया है आईबीएएन नंबर और आपका बैंक डिटेल्स करके, वो अपना एचआर को दे के आप सैलरी भी रिसीव कर सकते हो। और यहाँ पर लॉगिन करने के टाइम में अपना बर्थ ऑफ सिटी भूलिएगा मत, वो डालना पड़ता है। और ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा बिलिंग वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। और कार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है, लोन है, प्राइवेट बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो बहुत सारा यहाँ पर है जो आने वाला वीडियो में मैं आपको बना के एक्सप्लेन करूँगा कैसे अप्लाई करना है और कितना सैलरी क्या क्या मेंटेन करना होता है, ये सब बेनिफिट्स पाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आज के लिए इतना ही। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है और आपका 1000-2000 सैलरी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी ATM में आप पैसा